ये देखो काजल ने तोड़ दी थी चेन, अब ये लगी हुई है, इसे सेट कर लेंगे। तो भाई ये है फिजा के स्कूल का ग्राउंड, यहाँ हो रहा था फंक्शन। ऑर्डर आ चुका है अपना अपना नॉन वेज वाला है, इनका वेज वाला है। मैम का एक्सीडेंट हो गया कोविड का, अभी हम निकले यहाँ से तो देखा हमने कोविड का एक्सीडेंट हो गया ये पूरा। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की जनता को। सो भाई 4-5 दिन से मेरे ब्लॉग्स आ नहीं रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि मैं एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहा हूँ 2-3 कंपनियों की एक साथ। तो आज एक एक्टिविटी पे आया हूँ, ये है दिख रही है मुथूट फाइनेंस की एक्टिविटी है। ये भाई हैं हमारे, ये ढोल वाले भाई हैं, और वो पीछे दिख रहे हैं वो अपने बैंक के बंदे हैं। और यहाँ पे ये दिख रहा है ये सब हो रहा है अपना डेकोरेशन वगैरह। तो मेरा जो जॉब रोल है यहाँ पे, मेरा जो जॉब रोल ये है कि मुझे करना है सुपरवाइजिंग है, मतलब इनसे काम करवाना है बस मेरे को, और फोटोज़ वगैरह भेजने ग्रुप में देखना है मतलब काम हो रहा है सिंसियरली या नहीं हो रहा। तो आज का यही है भाई अपडेट, बाकी जो भी जैसा भी रहता है वो आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। भाई ये सर हैं, ये हमें समझा रहे हैं, मतलब मैम को समझा रहे हैं कि क्या क्या प्लान वगैरह है यहाँ पे। और ये हमारे दूसरे भाई हैं सुनील भाई, और ये तीसरे भाई हैं डाकू को, ये इसे तो जानते ही होंगे सब, ये हमारे पहले भी व्लॉग्स में आ चुके हैं। और ये हमारे भाई है भाई ढोल वाले भाई, ऐसे कर दो भाई ऐसे। भाई अपनी एक्टिविटी हो रही है अभी स्टार्ट, और ये सर और ये वाले भाई और वो सर और ये मैम, अपन चारों जा रहे हैं अब एक्टिविटी स्टार्ट करने। तो अब एक्टिविटी जो रहती है वो दिखाता हूँ, एक्टिविटी स्टार्ट होती कैसे है। बजाओ बजाओ भाई, ऐसे होती है एक्टिविटी स्टार्ट। मार्केटिंग में ना लोगों की कुछ स्ट्रेटजीज होती है, ऐसे मुथूट फाइनेंस रुक जाओ यार ऐसे मुथूट फाइनेंस ने अपनी स्ट्रेटजी ये करी है। ढोल बजाओ, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचो, इसलिए ढोल बजाया जा रहा है। तो यही है भाई एक्टिविटी का अपना जो भी है, बाकी बने रहो, मज़ा आए तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दो। हम सुपरवाइज़र हैं, हम भी ढोल रहे हैं इनके साथ मार्केट में, और एक कंपनी का और काम है वो मैं दिखा नहीं सकता, इसका भी नहीं दिखा सकता, लेकिन इसका मैं दिखा दूँगा। देखो एक्टिविटी ऐसे होती है, डाटा ऐसे कलेक्ट करते हैं अपन जा के, नंबर तो यहीं से मिल गया अपने को, नाम वगैरह ये है ये कर रहे हैं। तो देख लो भाई मार्केटिंग होती कैसे प्रॉपरली, ऐसे हो जाती है मार्केटिंग। ये देखो अभी ये हो रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ तो अभी ये वो बताएंगे अपने प्लान्स वगैरह बताएंगे कि इंटरेस्ट कम मिलता है हमारे मुथूट से, ये है वो है, मतलब वो चीज़ें समझाएंगे कस्टमर को, उसके बाद जो नंबर वगैरह लेंगी भाई वो समझा रही है बंदी। ये सारे बैंक के बंदे हैं, अगर ये गलत होंगी तो ये करेक्ट करेंगे, ये हमारे ढोल वाले भाई हैं, जब वो बोलेंगे तो ये बंद हो जाएगा ढोल। ऐसे होती है एक्टिविटी मार्केट की, ये चीज़ दिखा रहा था मैं इवेंट में आपको, कंटेंट मेरा सही लग रहा हूँ तो भाई लाइक वगैरह करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ज़रूर। एक्टिविटी हो गई है डन, अब हम जा रहे हैं वापस, है ना, अब हम वापस जा रहे हैं भाई, और यही है अभी तक की अपडेट। तो बाकी आगे जो भी जैसा, शेयर और एक लाइक जरूर। हाँ देखो सर ने बोल दिया जरूर करना, क्या इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, इंस्टा आईडी बता दे, काजल रावत ऑफिशियल, काजल रावत ऑफिशियल, तो भाई फॉलो कर लेना इन्हें। और बाकी सर ने बोला तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह कर देना, बाकी वीडियो में यही कंटेंट है भाई, मतलब आगे जो भी रहेगा वो दिखाएंगे ज़रूर आपको, बाकी सबको लव यू दिल से। सो भाई ये हैं हमारे भाई ढोल वाले, मैं बताओ अपना नाम नंबर वगैरह बताओ, नाम बताओ अर्जुन,
भाई का नाम है अर्जुन, नंबर बताओ। 9540295467। तो भाई नंबर बताया भाई ने, किसी को भी भाई अपना शादी वगैरह का ढोल वगैरह का काम वगैरह हो भाई से कांटेक्ट कर लेना अपना। और ढोल वगैरह तो देख ही ले कैसे बजाते हैं, वो भी खुल के नहीं बजा पा रहे बिकॉज सोसाइटी यहाँ की थोड़ी ऐसी है, इसलिए मना कर रखा है। और किसी की डेथ वगैरह भी हो गई थी परसों, इसलिए खुल के नहीं बजा रहे, बाकी बढ़िया बजाते हैं। और कांटेक्ट करना ज़रूर भाई से, ठीक है भाई। सो भाई अब हम आ गए हैं मेरी बहन फिजा के स्कूल। ये देखो ये रही फिजा, फिजा कहाँ गई, ये रही फिजा, इधर देखो फिजा, इधर देखो ये रही फामू। सो अब हम स्कूल में आए हैं और फिजा का फंक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है पूरा, और हम मुथूट फाइनेंस का प्रमोशन करने यहाँ पे भी आ गए। सो भाई ये है फिजा के स्कूल का ग्राउंड, यहाँ हो रहा था फंक्शन। अब मैं और काजल आ चुके हैं साकेत पीवीआर फिजा के स्कूल से। अब हम जा रहे हैं भाई पीवीआर पे कुछ ठूसने, तो हम जो ठूसेंगे वो दिखाएंगे आपको, और ठूसने के बाद ये भी बताएंगे कैसा लगा वो, है ना काजल? यस। आज इसने पता नहीं क्यों बुरखा सा पहना हुआ है, ये मास्क, शकल छुपा रही है अपनी। हाँ तो ये है भाई काजल, वो पुलिस वाले खड़े हैं, मैं क्यों डरूं। यही है भाई अभी की अपडेट, बाकी यार बने रहो यार, मैं कोशिश तो करते ही रहता हूँ व्लॉगर अच्छा बनने की। क्या आप लोगों को कुछ करने के लिए? नहीं नहीं फिर गलत ले जाएंगे लोग, बता कमेंट बहुत गंदे गंदे आएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं भाई अच्छा व्लॉगर बनने के लिए, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए हमें, है ना काजल? yes. ऐसे ही चलेगा भाई, हम तो यार स्कूल में अच्छा भी नहीं लग रहा था, कोई लौंडिया भी नहीं दिख रही थी सही से। सो भाई अब हम आ गए मैकडोनल्ड काजल मैम के साथ, और यहाँ से ऑर्डर करा हमने अपना, और ऑर्डर के लिए अब वेट कर रहे हैं हम, तो बस अब वेट ही कर रहे हैं। अभी की अपडेट तो यही है, बाकी जब ऑर्डर आएगा तो दिखाते हैं क्या है। मेरा तो नॉन वेज है। ऑर्डर आ चुका है अपना, अपना नॉन वेज वाला है, इनका वेज वाला है मैम का। सो अब अपना ऑर्डर वगैरह खाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। वो जब एड्स में दिखाते हैं हमें कि जब कुछ टेस्टी खाते हैं तो खा के एक्सप्रेशन कैसे आते हैं वो दिखाते हैं, ऐसे लिया हमने। लेकिन क्रिस्पीनेस तो है ही नहीं इसके अंदर। अरे एक्सप्रेशन मतलब ऐसे तो दे। हाँ सो इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है लगता है, मम्मी ने आज बिना खाए भेज दिया। अब इनके एक लड़की की नीड है जो इनको आलू के पराठे बना के खिलाए, प्लस में टमाटर प्याज की चटनी। हाँ मैं खिलाऊंगी, नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगी इनके लिए मैम। चलो बाय बाय। सुबह अब हो गया अपना डन, खाना पीना सब और ठीक था, जो भी था बढ़िया था, और दोनों ने खा लिया अपन ने खाना। अब हम जाएंगे पीवीआर पर डोलेंगे थोड़ी देर, फिर एक्टिविटी की लोकेशन पे जाएंगे, और उसके बाद जो भी रहता है भाई दिखाते हैं आपको। कल कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और इसने अपने प्रमोशन के लिए ना मैकडोनल्ड्स ने हमें टिश्यू नहीं दिया, तो इसने KFC का टिश्यू डाल दिया उसमें। ये रहा, ये देखो मैकडोनल्ड्स पे KFC का टिश्यू यूज़ कर रहे हैं। तो अभी की तो अपडेट यही है, बाकी की आगे की आगे दिखा। तो भाई अपना हो गया डन खाना पीना, अब अपन दवाई वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे अपने वर्क प्लेस पे, जो अपना वर्क प्लेस है। और यही है भाई अभी के व्लॉग में। और ये जो है ना ये बहन है मेरी, तो गलत मत समझना कोई भी, और गलत कमेंट मत करना वरना चूतोड़े तोड़ दी जाएगी सबकी। तो ये कन्फर्मेशन देनी थी भाई, ये कन्फर्मेशन हो गई है अपनी, बाकी अभी की अपडेट यही है, आगे जो भी रहता है वो दिखाते हैं आपको। तो एक्सीडेंट हो गया क्विड का, अभी हम निकले यहाँ से तो देखा हमने क्विड का एक्सीडेंट हो गया ये पूरा। दूसरी गाड़ी कौन सी थी अंकल? अच्छा भग गई वो, ये वैगनार है। अच्छा
मैं तो खुद क्विड लेने की सोच रहा था, मैंने क्विड की बिल्ड क्वालिटी देखी, इतनी गंदी बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन यह मारुति से सही है। जो दूसरी गाड़ी थी वो तो निकल गया लेके अपना रोक ठाक के, भाई बंदे के सर में लग गई चोट। और यार मतलब सेफ नहीं है ये क्विड भाई गाड़ी, बाकी अब देखेंगे भाई बाकी कौन सी कोई दूसरी गाड़ी का प्लान करूँगा मैं। लेकिन यार वो बंदे की गलती थी नहीं, फिर भी पड़ी लकड़ी ले ली उसने, गलत होता है यार ये बंदों के साथ। तो भाई अपन पहुँच गए लोकेशन पे, ये हमारे ढोल वाले भाई, वो हमारे सर, सर देखो कितने अच्छे हैं। सब भाई को समोसा ला के दिया, हमें भी बोल रहे थे पर हमने लिया नहीं, बिकॉज हम भी खा के आए पी वी आर से। तो हमारे ये सर बहुत अच्छे हैं यार। ये हो चुका है अपनी क्लोजिंग का टाइम, यहाँ पे ये भाई अपनी कहते हैं क्लोजिंग का टाइम हो गया, अब अपन कर रहे हैं क्लोजिंग। कर लिया अपन ने पैकअप पूरा, और सर ने बहुत मदद करी, दोनों सरों ने बहुत मदद करी भाई हमारी यहाँ पे। बस अब ये पैक वैक करके अपन निकल रहे हैं, आगे का जो भी सीन रहता है वो आगे दिखाते हैं आपको। सो भाई मैं तो वॉशरूम चेंज करने, और मुझे देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहे हैं इतने सारे केमिकल्स हैं। ये सारे केमिकल्स इसलिए होते हैं, जो गोल्ड लोन लेते हैं ना वो गोल्ड चेक करने के लिए होते हैं केमिकल्स की, वो गोल्ड असली है या नहीं है, वही केमिकल रखे हुए हैं। तो एक और नई चीज़ बताइए आज मैंने इस बात पे, भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरा ज़रूर। तो भाई ये देखो काजल ने तोड़ दी थी चेन, अब ये लगी हुई है इसे सेट करने में। आज भी आने मेरी बैड में जा रही, इतनी कर भी दी मैंने, इसने इतनी कर भी दी, बाकी कर दिए गाइस देखो। अपना यहाँ से पैकअप हो गया पूरा, अब मैं और काजल जा रहे हैं लाजपत नगर, जो ये सामान है ये देने जा रहे हैं हम लाजपत नगर, सेटअप पूरा देने जा रहे हैं लाजपत नगर। तो अब लाजपत नगर में मिलते हैं आपसे। तो भाई हम लाजपत नगर तो पहुँच गए, बट यहाँ पे बन गया हमारा खुद का सामान भी रख दिया, सर से थोड़ी भसूड़ी भी हो गई। काजल कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखो लाजपत नगर में ही है, आज हम कुत्तों की तरह भागे, मैं तो लेबरगिरी करी है मैंने लिटरली, है ना। पूरी लाजपत नगर की सुंदर सुंदर कन्याएं देख रही थी मेरे को, इतना प्यारा सा लौंडा ये लेबरगिरी क्या कर रहा है ना गज। अब हम जाम में अटके हुए हैं, अब हम घर पहुंच के बकचोदी करेंगे भाई। सो भाई अब हम घर आ चुके हैं और हम पूरा थक चुके हैं लिटरली, बहुत कुत्ता बन गया आज हम। तो घर आ गए हम, और आज का दिन ऐसे रहा जैसा दिखाया मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई तुम लोगों को पता है लाइक करना वीडियो को, कुछ गलतियाँ सही लग रहा है उसके लिए कमेंट करना वीडियो पे, और कोई बंदा नया वीडियो देख रहा है तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी सबको दिल से लव यू। अब हम जाएंगे सोने, बाकी जो भी लोग वीडियो देखे जिन लोगों ने भी भाई टाइम निकाल के, सबको दिल से लव यू।